बेमेल है गठबंधन, लगातार सवाल बरकरार है क्योंकि ये सवाल उठाया जा रहा है। बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच दूरियां नहीं थम रही। बीजेपी सांसद गोपाल नारायण सिंह ने जेडीयू के साथ रिश्तों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने बीजेपी और साथ ही जेडीयू के गठबंधन को बेमेल करार दिया है और कहा है कि दोनों की विचारधारा अलग है। बीजेपी अपनी विचारधारा से समझौता कर जेडीयू के साथ गठबंधन में है, जबकि जेडीयू ने अपनी विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया है। ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, जेडीयू को अपनी नीति बदलनी पड़ेगी। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से इस बयान के बाद बिहार की जो सियासत है वो गर्मा गई है। विचारधारा से समझौते को लेकर अब ये बात सामने आई है और कहा गया है कि ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। तो बीजेपी सांसद गोपाल नारायण सिंह का ये बड़ा बयान सामने आया। बेमेल समझौता है, उनकी विचारधारा अलग, उनका कार्य करने का क्षेत्र है, उनका कंसिस्टेंसी अलग है, भारतीय जनता पार्टी की सोच अलग है, कंसिस्टेंसी अलग है, लेकिन राजनीतिक परिस्थिति के अनुसार हम लोग एडजस्टमेंट करके चल रहे हैं। हालांकि हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, वो अपने सिद्धांत से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए हैं। देश की राजनीति को दिशा देने की जो आवश्यकता है, इसके चलते भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी के साथ अपने को एडजस्ट करके चल रही है। वहीं इस पूरे बयान को लेकर अब रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। चलिए आपको सुनाते हैं किस दल का क्या कुछ कहना है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का एक स्वाभाविक गठबंधन है और शुरू से चलता आ रहा है। हम साथ मिलकर के अपने अपने पार्टियों के कुछ मुद्दे को गौन करके बिहार के हित में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम बिहार के विकास को कर रहे हैं और आज बिहार में विकास के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम इतिहास रच रहे हैं। जहां तक बात विचारधारा की है तो जेडीयू और भाजपा गठबंधन में है और एक परिवार में भी अगर लोग रहते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ सबकी राय अलग अलग होती है। तो अगर बीजेपी और जेडीयू की राय किसी किसी मुद्दे पर अगर अलग है तो इसका मतलब ये नहीं कि गठबंधन का धर्म पालन नहीं हो रहा। राजनीतिक तौर पर हर एक इंसान को अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर विचारधारा अलग होगी, वो भाजपा के हों या वो जेडीयू के हों, सबके अंदर विचारधारा अलग है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता आदरणीय गोपाल नारायण सिंह जी कह रहे हैं बीजेपी जेडीयू का बेमेल गठबंधन है। अगर ये बेमेल गठबंधन है तो फिर ये सत्ता में बीजेपी कर क्या रही है? बीजेपी के कई नेता सवाल खड़े करते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी के ऊपर, इनके शासन व्यवस्था पर, और फिर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी आकर कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए रहेगा। ये विरोधाभास है, सत्ता की मलाई साथ खाएंगे, जनता की भलाई से मतलब नहीं है और सिर्फ इसी तरह का बयान देंगे। स्पष्ट है पहले से कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का सैद्धांतिक समझौता नहीं है, कुर्सी का समझौता है और सहमत का खेल चल रहा है जो कौन किसको पटक सकता है। अब तक भारतीय जनता पार्टी सफलता की ओर दिखाई दे रहा है, जेडीयू को भारतीय जनता पटकते आ रही है, अब एक आदमी बच गया है जिसको सीधा पटकना है, वो है नीतीश कुमार। अब देखना है जो किस दिन नीतीश कुमार पटकाएंगे। वही हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू में जिस तरीके की ये घमासानी से, सीधे तौर पर हम पहले कोल्ड वॉर का नाम दे रहे थे लेकिन अब सामने आकर सोशल मीडिया के जरिए स्टेटमेंट में एक दूसरे पर कटाक्ष किया जा रहा है, लेकिन इसी कड़ी में अब विचारधारा की ये लड़ाई खुलकर सामने आई है जिसमें बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है और ये स्टेटमेंट बताता है कि कहीं ना कहीं समझौता बीजेपी कर रही है। देखिए, अभी तक विपक्ष निशाने साध रही थी कि ये बेमेल गठबंधन है और ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, लेकिन अब जबकि जो सत्ताधारी पार्टी है उनके जो बड़े नेता हैं वो अगर बयान देते हैं कि बेमेल है गठबंधन और यहाँ तक कि बीजेपी अभी तक कॉम्प्रोमाइज करती आई है, तो इस तरीके से जो बातें रखी जा रही है तो इससे पहली जो पिछले दिनों आपने देखा होगा कि लगातार दोनों पार्टी के जो बड़े नेता हैं एक दूसरे के ऊपर निशाने साध रहे थे और कटघरे में खड़ा कर रहे थे, यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर छींटाकसी की गई बीजेपी के, बीजेपी की ओर से जेडीयू के जो नेता हैं बड़े नेता उन पर सवाल उठाए गए, तो और साथ ही साथ जो सरकार चल रही है उनके क्रियाकलापों पर टीका टिप्पणी की गई।
तो ऐसे में एक जो मैसेज है वो आम जन में वो ठीक तो नहीं ही जा रहा है, लेकिन परिस्थितियां सब कुछ कराती है और राजनीति में जो समय है उसका बड़ा महत्व होता है। और अभी जिस तरीके से संख्या बल है तमाम राजनीतिक दलों का और उसमें जिस तरीके से वस्तु स्थिति बनी हुई है, इसको लेकर एक कॉम्प्रोमाइज की स्थिति है। और बीजेपी इस बात को कह भी रही है कि जेडीयू अपनी नीतियों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही है, लेकिन बीजेपी उनके साथ एक तरीके से समझौता कर रही है, यानी कि डाउनवर्ड जाकर, नीचे जाकर उनकी बातों को मानने को विवश हो रही है। वो ये भी कह रहे हैं कि जेडीयू को अपनी नीतियां बदलनी होंगी। तो अब इन तमाम तरह की जो बातें हैं राजनीति में और इस बीच जो स्ट्राटा है राजनीतिक दलों का, जो संख्या बल है विधानसभा में, इसको लेकर एक स्थितियां ऐसी बनी हुई है कि बहुत कुछ ज़्यादा आगे पीछे की गुंजाइश नहीं है। और इसी समय में आपने देखा होगा पिछले सत्र में संख्या बीजेपी से ज़्यादा आरजेडी की हो गई विधायकों की। तो एक सहमत का खेल जो है अंदर खाने वो चल रहा है और उसी की परिणति है कि इस तरीके के बयान जो है वो भी लगातार देखने को मिल रहे हैं। रजनीश, देखिए अंदर खाने ये तमाम चीजें चल रही है, लेकिन बड़ी बात ये है कि पहले ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव में सीएम नीतीश कुमार काम करते हैं, लेकिन जेडीयू बीजेपी में जिस तरीके का एक घमासान है, फायदा तो बैठा बिठाया विपक्ष यहाँ पर उठा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि आप देखिए ये क्या गठबंधन है बिहार में। देखिए अब विपक्ष तो जाहिर तौर पे ऐसे मौका जो है उनके लिए बहुत मुफीद हो जाते हैं निशाना साधने को लेकर, अपनी बातों को रखने के लेकर और सरकार को कटघरे में खड़ा करने को लेकर। जहां तक दबाव की बात है, आपने देखा होगा अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो देखने को मिला है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कहीं ऐसे समय पे लग रहा हो कि दबाव में है, वहीं कहीं ऐसे समय भी आप देखेंगी कि इसी परिस्थितियों में अगर पिछले 2-3 महीने की अगर बात करें तो लग रहा है कि वो अपने तमाम स्थितियों को ओवरकम करके वो एग्रेसिव होकर अपनी बातों को रख रहे हैं। तो आपने विधानसभा में इसके पिछले सत्र में देखा होगा कि किस तरीके से गुस्से में उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर टीका टिप्पणी की थी। तो इन तमाम तरह की बातें हैं और इस बीच में जो संख्या बल है उसके हिसाब से एक स्थिति ऐसी बनी हुई है कि बहुत ज़्यादा आगे पीछे की गुंजाइश नहीं है। तो बहरहाल बीजेपी के जो बयान आए हैं निश्चित तौर पे एक बार फिर से सवाल उठा दिया है और जेडीयू बीजेपी के बीच जो एक बयानबाजी, राजनीतिक और छींटाकशी का दौर जो चल रहा है उसमें एक बार फिर से ये जो बयान है, ताज़ा बयान, इसको लेकर प्रतिक्रिया जो है फिर उसी तरीके से देखने को मिल रही है। हालांकि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की जब घोषणा हुई थी तो एनडीए की ओर से, बीजेपी की ओर से, तो जेडीयू ने आगे बढ़कर जिस तरीके से त्वरित समर्थन दिया था इसको लेकर लगा था कि सब कुछ पैचअप हो गया है, लेकिन इसके बाद भी एक बार फिर से इस तरीके की बयानबाजी जो है वो देखने को मिल रही है। और इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर जेडीयू और बीजेपी के लोग जो है छींटाकशी कर रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं और कटघरे में खड़ा करके सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल रजनीश, यानी कि सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि दूरियां अभी कम नहीं हुई है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि अब इस स्टेटमेंट के बाद एक बार फिर से बिहार की जो सियासत है वो गर्मा गई है। जेडीयू के साथ रिश्तों को लेकर ये बयान दिया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन बेमेल है, ये स्टेटमेंट में कहा गया है।